वंस अगेन वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th में ब्रिज कोर्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 की टेस्ट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ब्रिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लैंक टिश्यू। तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो नीचे चार ऑप्शन दिए गए, ए मेरिस्टमैटिक टिश्यू, बी एपिथेलियल टिश्यू, सी कनेक्टिव टिश्यू और डी स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका आंसर होगा ए मेरिस्टमैटिक टिश्यू। सेकंड देखते हैं, द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन बोमैन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल कैनल, ऑप्शन नंबर बी एक्सॉन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोमेरुलस और ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड में है, आंसर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट हमें सही है गलत ये हमें बताना है। तो स्टेटमेंट है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। तो इसका आंसर है फॉल्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स है ये गलत है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 1B है, आंसर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे ऑड वन आउट निकालना है हमें। तो इसमें दिया गया है पेंट रेसिड्यू, स्लज, एश एंड डेड रैट। तो इसका आंसर होगा डेड रैट। सेकेंड है कंप्लीट द सेकेंड पेयर बेस्ड ऑन द कोरिलेशन इन द फर्स्ट पेयर। तो यहाँ पे है वुमन टर्नर सिंड्रोम और मेन में आएगा क्लीन फील्डर सिंड्रोम। नेक्स्ट थर्ड है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। तो यहाँ पे है टिश्यू जॉइनिंग मसल एंड बोन्स। तो इसका आंसर आएगा टेंडॉन्स। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2A में है, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है गिव द साइंटिफिक रीजन। इफ किडनीज गेट एडवर्सली अफेक्टेड डायलिसिस इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमें इसका रीजन बताना है। तो इसका आंसर ये होगा, द एफिशिएंसी ऑफ किडनी कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंजरी इन्फेक्शन और डिक्रीज ब्लड सप्लाई। इन केस दिस हैपन्स एन एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्युमुलेट्स इन द बॉडी एंड इट कैन लीड टू डेथ। इफ किडनीज फेल नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय अ मैनमेड मशीन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड विद द हेल्प ऑफ द मशीन इज कॉल्ड एज डायलिसिस। अबाउट 500 ml of blood is sent at one time through this machine. Purified blood is refused into the body of the patient. अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। यहाँ पे है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्टेज। तो हमें 4 हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं सॉलिड वेस्ट्स के। तो इसके आंसर इस प्रकार रहेंगे, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। आगे का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर शोन इन द फिगर एंड डिस्क्राइब कैरेक्टर्स ऑफ दैट डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हमें जो फिगर मतलब एक लड़का दिखाया गया है, तो इसमें कौन सा डिसऑर्डर हुआ है ये हमें बताना है और उस डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। तो इसका आंसर इस प्रकार रहेगा, डाउन सिंड्रोम इज शोन इन द फिगर। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम आर यूजुअली मेंटली रिटायर्ड एंड हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। मेंटल रिटायरेशन इज मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। आगे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डायकॉट्स। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका आंसर इस प्रकार रहेगा। आगे है, डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक्स एंड सेकेंड इज DNA फिंगरप्रिंटिंग।
तो एंटीबायोटिक्स का आंसर होगा कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है द सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन डीएनए ऑफ अ पर्सन आई द जेनोम ऑफ द पर्सन इज आइडेंटिफाइड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आगे मैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ राइट द करेक्ट वर्ड इन द बॉक्स। तो यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन ऑफ लेफ्ट ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ राइट ब्रेन यहाँ पे कुछ फंक्शंस गायब है तो ये हमें फिलअप करने हैं तो इसका आंसर ये रहेगा। अब आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। आंसर द फॉलोइंग एनी 3। तो फर्स्ट है कंप्लीट द डायग्राम बिलो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। तो इसका आंसर ये होगा, इस बॉक्स में आएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सेकंड में मोनोजेनिक डिसऑर्डर, थर्ड में पॉलीजेनिक डिसऑर्डर और फोर्थ में माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। और पॉलीजेनिक डिसऑर्डर के दो और बॉक्सेस है जिसमें आएगा अल्बिनिज्म और सिकल सेल एनीमिया। बढ़ते हैं आगे, सेकंड है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स विद सुटेबल एग्जांपल हाउ इज एक्सप्रेशन इन प्लांट्स इज यूजफुल इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर है प्लांट्स गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच इज वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सम वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल टू ह्यूमन्स फॉर एग्जाम्पल गम लैटेक्स ऑफ रबर रेजिन एक्सेट्रा। आगे है ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ए वॉट इज हैपनिंग एट 1 and 2। तो इसका आंसर होगा एट 1 स्टिमुलस ऑफ हीट इज रिसीव्ड बाय द नर्व सेल प्रेजेंट इन द स्किन, एट 2 द हैंड इज क्विकली टेकन बैक। बी है विच इज द नर्व शोन बाय 4। तो इसका आंसर है द नर्व शोन बाय 4 इज एसोसिएशन न्यूरॉन। सी है एट 7 वेयर हैज इम्पल्स रीच। तो इसका आंसर है एट 7 द इम्पल्स हैज रीच द मसल ऑफ हैंड एज अ रिजल्ट द मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड द हैंड इज टेकन बैक क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आंसर द फॉलोइंग एनी 1। तो यहाँ पे मैं सेकेंड का आंसर बता रहा हूँ ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें एक गाय घास चर रही है और एक खुला मैदान है और फैक्ट्रीज हैं और फैक्ट्री से CO2 निकल रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर सन है जिसकी सनलाइट यहाँ पे आ रही है, रेस्पिरेशन दिखाया गया है प्लांट्स में एनिमल्स में और बायोटिक डिकम्पोजिशन का फॉसिल फ्यूल एब्जॉर्प्शन इन वाटर एंड बायोटिक कार्बन। तो इस पे हमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए, नीचे है नेम द साइकिल शोन इन द अबव फिगर। तो इसका आंसर होगा कार्बन साइकिल। सेकेंड है राइट वेदर दिस साइकिल इज इम्पॉर्टेंट एंड वाई। तो इसका आंसर होगा अबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल्ड इनटू बायोटिक फॉर्म मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, हेंस द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। थर्ड है राइट द मेन प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस साइकिल। इस क्वेश्चन में हमें इस साइकिल में इन्वॉल्व मेन प्रोसेसेस बताने हैं। तो इसमें दो मेन प्रोसेसेस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।